आपकी आयु 18 से 33 वर्ष के पास है तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि फॉर्म है कौन सा। बात हो रही है यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम की। तो जैसा कि आप सभी को पता है, और नहीं पता है तो मैं बता देती हूं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भर्ती 2024 का नोटिस आ चुका है, जिसके अंदर आरपीएफ कांस्टेबल में आपकी जो भर्ती निकाली गई है वो 4208 पद के लिए निकाली गई है। क्लियर है? और ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के अंतर्गत, जिसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे 15 अप्रैल से। तो 15 अप्रैल से 14 मई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती को आप फिल कर सकते हो अगर आपकी आयु है इसके अंतर्गत। एज लिमिट क्या है, तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, जैसा कि मैंने बताया जनरल कैटेगरी में 18 से 28 वर्ष की यदि आपकी आयु है 1/7/2024 के अंतर्गत, इसी के आधार पर यहां पर मेजर की जाएगी। ओबीसी कैटेगरी में यदि 3 साल की छूट यहां पर अतिरिक्त मिलती है, 28 में 3 साल जोड़ दोगे आ जाएगा 31। अगर आपकी आयु 18 से 31 वर्ष के आसपास है तो डेफिनेटली आप फॉर्म को फिल कर सकती है। वहीं अगर मैं एससी एसटी की कैटेगरी की बात करती हूं तो यहां पर आपको 5 साल की और अतिरिक्त छूट मिलती है, तो 28 में जब 5 साल और जोड़ दोगे तो 33 आ जाएगा। 18 से 33 वर्ष की आयु है तो आप यहां पे फिल कर सकते हो फॉर्म को आरपीएफ कांस्टेबल की। जो एज काउंट होगी वो 1/7/2024 है, ठीक है। चलें आगे। अब कुछ चीजें जैसे योग्यता के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए 10th पास। आपने 10th पास कर रखा है, आप कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। साथ ही में अगर मैं हाइट की बात करती हूं, काफी सारे स्टूडेंट्स को हाइट में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है कि मैम पुलिस की जॉब है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में जाना है तो क्या इसमें हाइट मांगी जाती है। ध्यान रखिएगा, पुरुष के लिए अगर आप जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो 160 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए फॉर्म को फिल करने के लिए। और अगर मैं चेस्ट की बात करती हूं, जो कि मेल में मापी जाती है मेजरमेंट के टाइम, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपकी जो चेस्ट है 80-85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एससी एसटी के अंतर्गत जो चेस्ट है वो 76.2 से 81.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये बात पुरुषों के लिए हो रही है, मेल के लिए हो रही है। अब हम बात करते हैं फीमेल की। तो आरपीएफ कांस्टेबल में डेफिनेटली महिलाएं भी फॉर्म को फिल कर सकती हैं, डेफिनेटली आप भी फिल करेंगी, ठीक है। तो फीमेल कैटेगरी के हाइट की मैं बात करती हूं, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की जो हाइट है महिलाओं में 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एससी एसटी कैटेगरी की जो हाइट है महिलाओं में 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्लियर है? जो एग्जाम होगा आपका, एग्जाम का जो पैटर्न रहने वाला है, केवल एक ही पेपर होता है इसमें, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और इसी पर आधारित 120 क्वेश्चन आते हैं और इसी पर मेरिट लगती है। जो फाइनल मेरिट भी बढ़ती है ना, वो भी एक ही पेपर होता है इसी के आधार पे। तो जितना ज्यादा आप स्कोर कर पाओगे उतना ज्यादा चांसेस हैं फाइनल मेरिट तक बने रहने के। सीबीटी क्लियर करने के बाद आपका होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपकी रनिंग है, भागना दौड़ना है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, ऊंची कूद होती है आपकी, लंबी कूद होती है। फिर मेजरमेंट टेस्ट होता है जिसमें आपकी हाइट और लड़कों में चेस्ट मापी जाती है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल, और लास्ट में आपकी ट्रेनिंग होती है। बढ़िया जॉब है ये, 8 घंटे काम 16 घंटे का रेस्ट आपको इस जॉब में दिया जाता है। 12 महीने की जॉब, मतलब वही 1 साल के अंतर्गत 13 महीने की सैलरी आपको दी जाती है, क्योंकि आरपीएफ है। यहां पर आपको लीव मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ कैजुअल लीव हो गया, एलपी हो गया, एचपी हो गया, लेकिन जो छुट्टियां होती हैं जैसे संडे हो गया या कोई तीज त्योहार हो गया, उस टाइम आपको ऑफ नहीं मिलता क्योंकि आप रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में भर्ती होगे। छुट्टियों के समय, त्योहार के समय ज्यादा भीड़ होती है रेल में, ज्यादा गुड्स चढ़ाए जाते हैं, तो उस टाइम पर आपकी ड्यूटी और लग जाती है ना। लेकिन इसके अलावा आपको ऑफ छुट्टियां मिल जाती हैं। काम मैंने बताया 8 घंटे का काम है, 16 घंटे का रेस्ट है। 8 घंटे काम करने के बाद अब आपको अगला जो शिफ्ट होगा वो 16 घंटे के बाद ही होगा। ज्यादा प्रेशर इसमें नहीं होता। तो ये पूरी आपकी जॉब प्रोफाइल होती है आरपीएफ कांस्टेबल। फिजिकल की अगर मैं बात करती हूं, जैसे आप सीबीटी क्लियर कर लोगे तो फिजिकल
में जो पुरुष हैं उनको 1600 मीटर की दौड़ लगानी है 5 मिनट 45 सेकंड में। लॉन्ग जंप 14 फीट की और हाई जंप 4 फीट की पुरुषों के लिए होगी। अगर मैं फीमेल की बात करती हूँ महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ लगानी है 3 मिनट 45 सेकंड में, 9 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप होगी। केवल क्वालिफाई नेचर का होगा ये आपका, इसके नंबर नहीं जुड़ते। क्लियर है? बात कर लेते हैं हम पैटर्न के अंतर्गत, तो जो आपका एग्जाम होता है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपके होंगे 120 क्वेश्चन आएंगे, इसमें एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर आपको दिया जाता है। मैथ्स के 35 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 35 और जीएस के 50। जो लेवल रहेगा एग्जाम का वो 10वीं स्तर रहेगा, मतलब 10th लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर है? कांस्टेबल में समय आपको दिया जाता है सॉल्व करने का 120 क्वेश्चन को 90 मिनट, और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ये पूरा पैटर्न है। आप लोग रीजनिंग पढ़ ही रहे होंगे, रीजनिंग आपकी टोटल वर्बल नॉन वर्बल और लॉजिकल पूरा पार्ट आता है। मैथ्स में भी पूरा पार्ट है 10th लेवल का। जीएस के अंदर भी 50 क्वेश्चन है, और रेलवे ज्यादातर क्वेश्चन या तो पॉलिटी से पूछ लेती है, इतिहास की लड़ाइयां होती हैं, स्टैटिक जीके होती है, या सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पूरा पोर्शन है जो आने वाला है। 10th पास हो आप, आपकी जो आयु है जनरल में 18 से 28 साल है, ओबीसी में 18 से 31 साल है, और SC ST में 18 से 33 साल है, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, भर लीजिएगा जरूर फॉर्म। 15 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे भरने, 14 मई तक। इसी के साथ मैं आप सबको बता दूं सैलरी के बारे में, तो जो सैलरी आपकी होती है आरपीएफ कांस्टेबल की, आपको स्टिपेंड भी दिया जाता है जब आप ट्रेनिंग में जाते हो, उस टाइम पर भी आपको कुछ अमाउंट मिलता है, लेकिन जब ज्वाइनिंग हो जाती है आपकी, जब आप जॉब पर चले जाते हो, पोस्टिंग हो जाती है, उस टाइम पर आपकी जो सैलरी होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें भत्ते जोड़े जाते हैं, अलाउंस जोड़े जाते हैं, हाउस रेंट अलाउंस होता है, DNS अलाउंस होता है, टाइम अलाउंस होता है, ट्रेवल अलाउंस होता है, तो ये सारे अलाउंस जोड़कर लगभग ही मान के चलिए जो सैलरी आपके हाथ में आती है वो 32,000 के आसपास की सैलरी आपको स्टार्टिंग में मिलती है, बाकी प्रमोशन इसमें आपको मिलने देखने को मिलते हैं।